1:30 के आसपास, 1:30 के आसपास, 1:30 के आसपास, बट लंच के पहले हो जाएगा। और नीरज जी आदिल के जो रोलिंग नीरज जी जो आदिल पे आरोप लगाई है राखी सावंत ने, उस पर क्या कहना है और आपकी तरफ से क्या उस पर राय है? देखिए पहले तो उनका केस ये था कि उन्होंने जो FIR लॉन्च कराई थी, FIR नंबर 119 ऑफ 2023, उसमें ये एलिगेशन था कि उन्होंने मेरे क्लाइंट ने उनका पैसा पैसे के साथ में रेफरी किया। सो सेक्शन जो अप्लाई हुए थे वो 406, 323, 504 और 506 Part 2 था। उसके बाद हमारे मेरे क्लाइंट को राखी के घर से अरेस्ट उठाया गया, जिस टाइम पे वो लड़का अपना कपड़ा लेने गया था वो राखी के कहने पर आया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे आने के बाद तो पुलिस ने उससे सेक्शन 41 का नोटिस पुलिस स्टेशन में ही सर्व किया। उसके बाद मेरे क्लाइंट का डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, जिसमें मेरे क्लाइंट ने सारी चीज़ें क्लियर करी कि पैसे का लेन देन कैसे क्या हुआ था क्या नहीं, उल्टा मेरे बहुत ही ह्यूज अमाउंट लगा हुआ है, मैंने खर्च किया। जैसे ही पता चला है कंप्लेनेंट को कि ये सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो चुकी है पुलिस स्टेशन में और उनको लगा है कि मेरा क्लाइंट छूट सकता है सारी चीज़ों से लीगली, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन आए हैं और उन्होंने 376 और 377 का एलिगेशन किया है और उसमें ये सेक्शन ऐड हुए हैं। उसके बाद जो पूरी तरीके से छूटा है प्री प्लांट है, आफ्टर थॉट मैंने भी किया गया। लेकिन उनके तौर से ये कहा जा रहा है कि बैंक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जो जो आदिल ने खर्च किया है राखी के अकाउंट से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बैंक स्टेटमेंट तो हमने भी पुलिस को बोला कि हम भी आपको बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं, हमने अपना सारा बैंक स्टेटमेंट बैंक का वो डिटेल दिया हुआ है, मेरा जो पर्सनल अकाउंट है वो भी दिया हुआ है, जो हमारा बिजनेस अकाउंट है राखी के साथ में ज्वाइंट जो ऑपरेट होता था उसका भी डिटेल दिया हुआ है। लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट, द ट्रुथ विल कम फॉरवर्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजनेस अकाउंट था आदिल और राखी का वो ज्वाइंट अकाउंट था, जिसमें जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता था OTP आता था 6 डिजिट का, जिसमें से 3 डिजिट राखी जी के उस पर आता था और 3 डिजिट नंबर जो है आदिल के उस पर आता था। दोनों का मिला के जब 6 डिजिट का नंबर एंटर होता था तभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता था। तो ये फैक्ट अपने आप में ही सफिशियंट है ये बताने के लिए कि मेरा क्लाइंट कितना निर्दोष है। 406 लगाया गया है तो है देना देना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो फिर शादी क्या हुई थी या उसके आधार पर आपकी आदत लगा रही? नहीं नहीं, वो 406 वो पैसे रुपए की लेन देन किया उस पर लगा रहे हैं, उनकी शादी हुई है वो तो एडमिटेड फैक्ट है, उन्होंने मीडिया के सामने ही हमेशा वो किया कि वो उनका पति है और इस्लामिक रीति रिवाज से शादी हुई है सब। नहीं नहीं अभी तो बाकी है। और आज कोर्ट में किस तरह के इस केस को चैलेंज करने वाले हैं आप और क्या उम्मीद है आज की जमानत होगी? आप अभी देखिए अभी कोर्ट में ये इनको प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन की क्या दलीलें होती हैं सामने से और हमारी जो भी है जो फैक्ट्स है वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे। लेट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड। कार के बारे में भी कहा गया है कि कार उन्होंने स्टील की थी राखी की और वो लड़की के बिल्डिंग में उन्होंने पार्क किया था, क्या ये सभी बातें सच? जी नहीं, ये सारी बातें झूठी हैं। पहली बात तो कार मेरे क्लाइंट की है और वो क्लाइंट मेरे क्लाइंट के कहने के हिसाब से और मेरे क्लाइंट की गाड़ी जो है और चाबी वो राखी जी के घर पे ही पड़ी हुई है और पुलिस को हमने ये बातें बताई है, पुलिस को उनको गाड़ी को रिकवर करने दीजिए सच्चाई के हिसाब से। लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? राखी ने कहा है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर था इनका और पहले भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं बैंगलोर में चल रहे हैं और भी कई शहरों में। देखिए ये एक स्टैंडर्ड टाइप का एलिगेशन है जो सारे मैटर में लगाया जाता है और प्रोसिक्यूशन को कुछ ना कुछ तो चाहिए बोलने के लिए, बट उसको सब्सटेंशिएट कितना कर सकते हैं, उसको प्रूव कितना कर सकते हैं वो ज्यादा जरूरी है। आप अंदर गए थे क्या? जी हाँ, बातचीत हुई है, इंस्ट्रक्शन जो भी हमको देना था उस हिसाब से हमने लिया है और अभी हमको मेडिकल के लिए लेके जाएंगे, उसके बाद पुलिस हमको प्रोड्यूस करेगी। वेरी मच। राखी की तो राखी के लिए बहुत सारे लोग उनके तरफ से स्टेटमेंट दे रहे थे राखी सही है, क्या आदिल के घर वाले उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिली है, पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है, मेरे कॉन्टेक्ट में है वो लोग, पूरी तरीके से अपने बच्चे के लिए कंसर्न है। देखिए अभी ऐसी कोई बात मेरे नॉलेज में नहीं आई है, अगर ऐसा कुछ है भी तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, केस अगर चल रहा है उसमें इज नॉट बीन कन्विक्टेड कोई भी रहेगा जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक आप कह सकते हैं हिस्ट्री शीटर है। ठीक।